गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप घर पर सभी सही होंगे। हमने लास्ट क्लास में मोर पेरिफेरल चैप्टर वन, आपकी क्लास का चैप्टर वन मोर पेरिफेरल के कुछ पेरिफेरल्स देख लिए थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कुछ और पेरिफेरल्स की, एडवांस पेरिफेरल्स। फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किसकी फुल फॉर्म है? एलसीडी की, ठीक है। तो हमारे पेरिफेरल का क्या नाम है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स। आप लोगों ने कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है उसकी जो स्क्रीन होती है वो कहलाती है मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। हमारा डेटा, हमने कुछ भी एंटर किया या कंप्यूटर से हमें जो कुछ भी मिलना था वो हमें उस मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन हम चाहते हैं वो मॉनिटर स्क्रीन तो छोटी होती है। मैं चाहती हूँ एक पूरी दीवार पे, जैसे इतना बड़ा बोर्ड है तो इतनी ज्यादा स्क्रीन में मुझे मेरा आउटपुट या इनपुट शो करे। तो वो कैसे शो करेगा? किसकी हेल्प से? प्रोजेक्टर की हेल्प से। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर आर यूज व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड ऑन अ बिग वाइट स्क्रीन इंस्टेड ऑफ अ मॉनिटर। जब हम प्रोजेक्टर का यूज तब करते हैं जब मॉनिटर की जगह हमें बड़ी आउटपुट हमें स्क्रीन पर, चाहे व्हाइट स्क्रीन हो चाहे कोई भी, मेनली हम व्हाइट स्क्रीन ही यूज करते हैं। जब बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट हमें शो करना हो तब हम एलसीडी को यूज में लाते हैं, ठीक है। ये मेनली हम डेली यूज में नहीं यूज करते, हम मेनली यूज करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पर प्रेजेंटेशन देने के लिए। या फिर मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर लैब में जाती हूँ, कंप्यूटर के अंदर मुझे आपको कुछ समझाना है। एक तरीका है, मैं सब बच्चे अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे हैं, अलग अलग बच्चे के पास जाओ और उन्हें समझाओ। और एक तरीका है मैं प्रोजेक्टर से सारे बच्चों को इकट्ठा बैठा लूं और प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से अटैच कर दूं, व्हाइट स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाएगी, वहां पर एक बार बच्चों को समझा दूं और फिर बच्चे अपने अपने कंप्यूटर पर जाकर वो टास्क करें, ठीक है। इसके बाद जो प्रोजेक्टर होता है इसमें प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन होती है वो इतनी है आपकी, एलसीडी प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन होती है उसमें मिरर लगा होता है, ठीक है। वो मिरर का साइज हमारा छोटा ही होता है, लेकिन उसके अंदर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके फोकस को जूम जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसमें इनपुट, टाइप्स ऑफ इनपुट होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। डिजिटल जूम हो गया, पिक्चर की शिफ्टिंग, पिक्चर को लेफ्ट राइट अप डाउन शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एलसीडी प्रोजेक्टर आया समझ में? जब आपको मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट की जगह बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट देखना हो कंप्यूटर का तो हम एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ये मेनली बिग ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मल्टीमीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जो मैंने अभी आपका कंप्यूटर लैब का एग्जांपल समझाया वही चीज, जहां पर प्रेजेंटेशन करना हो लार्ज ऑडियंस को वहां पर यूज किया जाता है। इसमें हम इसको, इसके फोकस को, इसके टाइप्स ऑफ इनपुट को, डिजिटल जूम को, पिक्चर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पेरिफेरल की। नेक्स्ट पेरिफेरल है हमारा बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक नाम से ही आपको स्पेसिफाई हो रहा होगा, आपने देखा होगा आजकल हमारे टच के फोन आ रहे हैं, पीछे से हम उसमें फिंगर टच का आता है, फिंगर टच करते हो तो आपका पासवर्ड अनलॉक हो जाता है, ठीक है, आपका फोन अनलॉक हो जाता है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का आ रहा है, जैसे ही फोन के कैमरे, फ्रंट कैमरे के सामने आपका फेस आता है आपका फेस अनलॉक हो जाता है। ये चीज क्या होती है? बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस रेफर टू द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ लिविंग पर्सन बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ देयर फिंगर हैंड फेस एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है? ये रेफर करता है जो पर्सन, लिविंग पर्सन है उसकी आइडेंटिफिकेशन को मैच करता है उसके डेटा में जो स्टोर होता है उससे, और अगर वो मैच हो जाते हैं तो आपके फोन को, आपके कंप्यूटर को और भी अदर सिस्टम्स को अनलॉक कर देता है। तो ये मेनली यूज होता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे आपका फोन हो गया या फिर आपके बैंक्स में भी आजकल यूज होने लगा है, आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो वहां पर भी आपका
फिंगर्स, आपकी आईज, इन सबका वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या हो गया, ये रेफर करता है आइडेंटिटी ऑफ लिविंग पर्सन की। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक मेथड प्रोवाइड करता है अलग अलग आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने की। मतलब एक मशीन ही तो है, उसमें मुझे आपको कैसे अलग अलग रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसमें एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसमें हम पहले से हमारी आइडेंटिटी को स्टोर करके रखते हैं उस मशीन के थ्रू, और बाद में हमें जब मैच करना हो तो हमने दोबारा अपनी फिंगर्स ऐड करी और उसमें जो स्टोर डेटा है उससे वो मैच करेगा। उसमें ऑटोमेटिक मेथड होता है जिससे वो जैसे ही हमने फिंगर या थंब रखा वो उससे मैच कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बात करी है आयरिस रिकॉग्नाइजेशन। आयरिस रिकॉग्नाइजेशन मतलब हमारी आईज, आईज के अंदर आयरिस होती है, उसमें हम रिकॉग्नाइज मैच करते हैं। पुतली जो होती है आंखों की, वो सबकी मेनली डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसका ये मेन होता है हमारा बायोमेट्रिक के लिए आईज को मैच करना। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस मतलब वेरिफिकेशन करते हैं हम आइडेंटिटी का अपने फिंगर के थ्रू, थंब के थ्रू, आईज के थ्रू, फेस के थ्रू, अलग अलग आइडेंटिटीज में। ठीक है, जैसे कि हम फोन में यूज करते हैं, आधार कार्ड में यूज करते हैं, आजकल बैंक में भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेरिफेरल की। नेक्स्ट और लास्ट पेरिफेरल है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये फुल फॉर्म है RFID, आर रेडियो एफ फ्रीक्वेंसी आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आपने देखा होगा जैसे आपके स्कूल में जो आपके व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनके नीचे आप घर पे बैठे उनको ट्रैक कर सकते हो कि आपके व्हीकल कहाँ पर पहुंच गई, आपकी गाड़ी, आपकी बस कहाँ पर पहुंच गई है। ठीक है, आप कहीं पर भी जा रहे हो, गूगल के थ्रू, मैप के थ्रू आप चेक करते जाते हो कि कहाँ पर पहुंच चुके हम। ठीक है, तो वहां पर क्या लगा होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक आईडी सिस्टम है जहां हम यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के स्मॉल टैग। एक टैग आता है, ये टैग कोई भी चिप हो सकती है, कोई भी मेमोरी कार्ड हो सकता है, जो किसी भी आइटम के नीचे, किसी भी, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी आइटम आप उसके अंदर या नीचे लगा दीजिए। ठीक है, अब वो जहां जहां मूव करेगा, आपको वो कहां मूव हो रहा है उसकी सारी डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होगी। तो आईडी, ये एक आईडी सिस्टम है जहां हम यूज करते हैं स्मॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और ट्रैकिंग के लिए, जब हमें ट्रैक करना हो किसी भी व्हीकल को, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को, तो उसके अंदर हम RFID टैग लगा देते हैं जिससे हमें उसका ट्रैकिंग पता चलता रहे। ठीक है, ये टैग एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो किसी भी प्रोडक्ट में हम अटैच कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं RFID की, तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो खुद इसका टैग और दूसरा एक होस्ट एप्लीकेशन जो डेटा को कलेक्ट करती है और उसको प्रोसेस करके ट्रांसमिट करती है कंप्यूटर तक। आई रिपीट, RFID में दो चीजें होती है, एक तो खुद इसका टैग और दूसरा एक होस्ट एप्लीकेशन जो डेटा को कलेक्ट करके उसे एक जगह से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करती है। ये मेनली चीजों को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कार में कोई भी प्रोडक्ट हो गया, फोन को हमें ट्रैकिंग करना हो तो फोन ट्रैक पे लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा RFID। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।